मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको, अच्छा क्या बोलना पड़ेगा सर? जैसे आप जो आपने लाइन ली है ना, तो मुझे पता है मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूँ। सर आप मेरी मजबूरी की चिंता मत कीजिए ना, मेरी कोई मजबूरी है। डूब मरना चाहिए जमाती मरना चाहिए। ये अक्सर डिबेट्स में मीडिया एंकर विपक्षी नेताओं को टोकने लगते हैं, जिससे परेशान होकर विपक्षी नेता भी मीडिया एंकरों को पलटकर जवाब देते हैं। आज के वीडियो में बात कुछ ऐसे ही डिबेट्स की करेंगे। एबीपी न्यूज पर मोदी के यूपी दौरे को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल AIMIM के नेता आसिम वकार से किया। आसिम वकार ने अपने जवाब में बढ़ती महंगाई पर बात करनी शुरू की और एंकर पर सवाल खड़े किए, जिस पर एंकर भड़क उठी और टोकने लगी, जिसका आसिम वकार ने करारा जवाब दिया। ये ज्ञान जो आपने दिया मुझे, ये 2014 से पहले आपने स्मृति ईरानी को नहीं दिया था। गैस का सिलेंडर सर पे रख के डांस हो रहा था, महंगाई महंगाई महंगाई। अरे मैडम बात तो सुनिए, मेरी आपदा नहीं आई थी उस वक्त, कोरोना पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो रहे थे कि पूरी दुनिया में हालत इस वक्त खराब है कोरोना की वजह से, मालूम है कि नहीं आपको? आसिम वकार साहब, मैं आपकी शिकायत सर आंखों पर रखता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि हर सरकार को वो चश्मा तैयार रखना चाहिए जो मोदी जी देते हैं आप लोगों को। अच्छा ये चश्मा है, कोरोना आपको लगता है चश्मा है? मैडम मैं कोरोना की नहीं, मैं आठ वाला तेल 240 बिक रहा है, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? बताइए शांतनु जी, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? आप बताइए ना मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको, अच्छा अब आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपके जी न्यूज पर टूलकिट गैंग के मुद्दे पर डिबेट जारी थी। इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता एंकर के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान एंकर ने उन्हें टोका, जिस पर कांग्रेसी प्रवक्ता ने एंकर को करारा जवाब दिया। परसेप्शन मैनेजमेंट करना, झूठ फैलाना, इसमें तो मोदी जी और बीजेपी के आईटी सेल माहिर है भाई। अगर आपको हिंदुस्तान में फेक न्यूज बंद करनी है, 99% फेक न्यूज बंद हो जाएगी। टूलकिट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं क्या? चीज दिखाना बंद कर दीजिए। पीपी के न्यूज क्लिक से टूलकिट पे आ गए क्या? डिस्कशन करते करेंगे उसके ऊपर, चर्चा करेंगे। डिस्कशन में लेकर आऊंगी, ऐसे लग रहा है कि लड़ाई डोमेस्टिक लड़ाई है। लेकिन एनके सूद जी, देखिए एनके सूद जी, ठीक है सर, आप लोग मुद्दे पे नहीं रहेंगे तो मुझे दूसरे गेस्ट को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद इस मुद्दे की गंभीरता को समझ नहीं रहे। आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। एनके सूद जी, हमने देखा है बीते दिनों में समझता हूँ आपको ये बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा सर? जैसे आप जो आपने लाइन ली है ना, तो मुझे पता है मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूँ। सर आप मेरी मजबूरी की चिंता मत कीजिए ना, मेरी कोई मजबूरी है और ना मुझे आपको किसी आपके किसी भी निजी आक्षेप का जवाब देने की जरूरत है। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, मैं होमवर्क करके आती हूँ सर, वही घिसे पिटे 3 आर्ग्यूमेंट लेके नहीं आती हूँ, प्लीज थैंक यू। न्यूज नेशन पर किसी विषय पर डिबेट जारी थी। इस डिबेट में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एंकर ने सवाल शोएब जमाई से किया। जब वे जवाब दे रहे थे तो एंकर ने बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिसका शोएब जमाई ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। दीपक चौरसिया जी आपको सुनना पड़ेगा, 30 सेकंड हमें दीजिए। बलात्कार जमाती कहते हैं अपने आप को। एक मिनट बहुत हो रहा है आपका, ज्यादा सुनिए आप बात। बलात्कार जैसी घटना अति निंदनीय है, जो भी बलात्कारी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फौरन सजा होनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है समाज में। लेकिन हमारी उन्नाव की बेटी के साथ भी रेप कांड हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव की बेटी के साथ अपने आप को जमाती कहते हो, इस बच्ची की स्टोरी देखने के बाद शोएब जमाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको। मुज़फ़्फ़र रहमान जवाब दीजिए, उन्नाव की बेटी तक पहुंच गए आप। मुज़फ़्फ़र रहमान इस बच्ची की कहानी देखने के बाद अपने आप को तबलीगी जमात का प्रवक्ता कहने वालों को डूब मरना चाहिए डूब मरना चाहिए। जमाती बलात्कारी है ये, जमाती बलात्कारी है ये। न्यूज 18 पर जासूसी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से किया, लेकिन जब एंकर बार बार जवाब में टोकने लगे तो कांग्रेसी प्रवक्ता ने उन्हें सुना दिया।
तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी द्वारा कांग्रेस से कहना कि जनता की आवाज संसद में नहीं उठ रही है, ये इसी कहावत को चरितार्थ करता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा राजनीतिक दल है तो फिर आप आवाज आप जनता की आवाज उठाइए, आप जनता की आवाज उठाइए सदन के अंदर, सदन में आप कोरोना का मुद्दा उठाइए, महंगाई का मुद्दा उठाइए, जो आप उठाते रहे, आपको लगता है जो कि देश में समस्या है उठाइए। हू स्टॉप्स यू? ओके समित पात्रा, अक्वे क्रिबाटल देना आलोक मेहता जी, अक्वे क्रिबाटल समित पात्रा देना आलोक मेहता। नहीं आप बोले, तीन मिनट बोली मैडम आप, कोई नहीं बोला बीच में, आप तीन मिनट बोली कोई नहीं बोला, समित पात्रा 30 सेकंड रिबाटल देना आलोक मेहता। तीनों का बहुत संक्षेप में जवाब देना मैडम, मैं किसी को नहीं भूलता। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, जहां आपको बोलना चाहिए सदन में वहां आप बोलते नहीं, यहां हम पे आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है उसको हार्वर्ड में उसको हार्वर्ड में जाने की ईमेल कांग्रेस ने थोड़ी भेजी थी, उसको हार्वर्ड में जाने की ईमेल किसी और ने भेजी है, वो विषय थोड़ी है हमारा। मैं संबित को भी यही बात बोल रहा हूँ, आपको भी यही बात बोल रहा हूँ। कौन सी बहस कर रहे हैं ये? मैं कर रहा हूँ बहस, प्लीज। मैंने हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया अपने डिबेट्स के जरिए जनता के मुद्दे उठाना शुरू करेगा और सरकार के नेताओं से उनकी परेशानियों को लेकर सवाल करेगा, ना कि सिर्फ सवाल विपक्षी नेताओं पर उठाता रहेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।